हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम एलएल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है द शाम शर्मा शो। तो इनकी वीडियो है, इनकी वीडियो मैं काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को अच्छी लगती है इनकी वीडियो और इनके अच्छे फैक्ट एंड फिगर्स देते हैं। ऐसा होता है भाई लोगों कि मैं इनकी कई वीडियो पर, मेरे को और भी रिकमेंडेशन आई थी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कौन कौन सी आई थी उसमें मेरे को थोड़े से फैक्ट मेरे को नहीं लगते, तो मैं उस पर नहीं करता, क्योंकि जो मेरे को लगता है कि ये परफेक्ट बात है, जहाँ मेरे को 10 लोगों से और पता चला होता है, 10 वीडियो से और पता चलता है, उनसे थोड़ा सा डिफर करते हैं। वैसे मैं इनकी 95% वीडियो जितनी होती है उनसे एग्री करता हूँ। देखो, एग्री डिसएग्री करना एक ह्यूमन बींग है, आपकी और मेरी है, ठीक है। आप मेरी बातों से भी डिसएग्री कर सकते हो, मैं आपकी बातों से भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं जो अच्छी बातें होती हैं मैं वो अडॉप्ट करता हूँ बंदे की। तो मेरे एक दिल के करीब है इंडिया के सिंबलिज्म, ठीक है, जो भी हुआ है। तो उस पर मैंने बोला भी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को भी बोला था कि इंडियन होके सोचो। तो इनकी वीडियो में को रिकमेंडेशन आई थी, तो मैंने बड़े ध्यान से ये वीडियो इनकी मैंने वैसे देख ली है। मैं चाहता था कि आप लोग भी देखो। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि हमेशा जब भी आपको वीडियो देखते हो ना, या कुछ एनालाइज करते हो, तो एज ए इंडियन बन के देखा करो। आप भूल जाओ कि आपका क्या है, ठीक है। आप ये सोच के देखा करो कि आप इंडियन हो और आपको इंडिया के बेनिफिट में या इंडिया के लिए क्या, आप उस माइंडसेट से देखोगे तो आपको वीडियो की समझ भी आएगी और आपके लिए देश में, देश के लिए अच्छी चीज़ें भी आपको अडॉप्ट करने के लिए मिलेंगी। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी है और रोस्टिंग टाइप वीडियो है, और मैसेज बहुत अच्छा है इसमें, आपको मैसेज देखना है, ठीक है। भाई का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, भाई की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, तो वो हम एंड में बात करेंगे, थोड़ी बहुत बात करेंगे, क्योंकि बाकी बातें इन्होंने, भाई ने बड़े अच्छे तरीके से समझा दी हैं। कुछ बातें आपको भी लगता हो सकता है कि ये आपको अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन बातों को छोड़ के इंडिया के जो अच्छा है उसके लिए आप जरूर ये वीडियो देखिए। तो इनका मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जो इन्होंने वीडियो का दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ वो दिया हुआ है मेल्टडाउन ओवर न्यू नेशनल एनवेल्प, ठीक है। तो जो इन्होंने बताया है वो आपको ध्यान से सुनना है, वही मेरा भी स्टांस है उसमें, ठीक है। तो पहले वीडियो देखते हैं। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि मेरा इस पर क्या है, जो शेर के मुंह खुला है मुंह बंद है उस पर बात कर रहे हैं ये। तो आप भी इनकी वीडियो देखना, आपको भी समझ आएगी। पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के एंड में अपना थोड़ा सा मैं व्यू दूंगा, क्योंकि बाकी व्यू आपने यहाँ से ले लेना है, ठीक है। चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर एंड में करेंगे तब सारा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोदी जी का जरा जलवा देखिए। जो लोग नेशनल एंथम के लिए खड़े नहीं होना चाहते थे, जो लोग वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग नहीं गाना चाहते हैं, जिन लोगों को लगता है कि भारत माता की जय बहुत कम्युनल है, वो लोग रातों रात हमारे देश के नेशनल एम्बलम के डिजाइन में बहुत इंटरेस्टेड हो गए हैं। वाह मोदी जी वाह। शेर ने जरा सा अपना मुंह क्या खोल दिया, सारे गीदड़ों की फट गई। मुझे लगता है कि वो नाराज इसलिए है क्योंकि उनको इस डिजाइन के बदले ये डिजाइन चाहिए था पार्लियामेंट बिल्डिंग पे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेल्टडाउन हो रहा है ना, इसका एक और भी गहरा कारण है। ये कारण किसी भी सोसाइटी में सिंबलिज्म की इम्पोर्टेंस से जुड़ा हुआ है। क्यों मोदी जी इस सिंबलिज्म को अच्छी तरह समझते हैं और क्यों इस बात से ऑपोजिशन की जलती है। हेलो हेलो, और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, मुझे पता है थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन वंस अगेन आपने जो सिविलाइजेशनल आर्ट कंपटीशन में एंट्रीज भेजी हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते विनर्स और सारे का सारा सिविलाइजेशनल आर्ट का कॉम्पाइलेशन रिलीज किया जाएगा, तो आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो इंडिया की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, उसका सबसे पहला पार्ट यानी हमारे देश के नेशनल एम्बलम का अपडेटेड डिजाइन का हाल में ही मोदी जी ने एक यज्ञ के साथ उद्घाटन किया। ऑपोजिशन की इस समय पर इतनी बुरी हालत हो रखी है कि इतनी छोटी सी बात पर भी उनके मेल्टडाउन शुरू हो गए। With the opposition slamming the government for allegedly altering the national symbol, they've asked that this new structure is unnecessarily aggressive. Oh my goodness! Take a look at what Jawahar Sarkar of the TMC said. Insults to our national symbol, the majestic Ashokan lions, the original is on the left, which is graceful, regally confident. The one on the right is Modi's version, put above the new parliament building.
sharing an unnecessarily aggressive and disproportionate. This is a shame and it should be changed immediately. अरे बाप रे! यार इन लोगों का रिएक्शन देख के कसम से ना मेरे दिमाग में एक बच्चे का रिएक्शन आ रहा है। एक बच्चा बकरी ईद पर तड़पता जानवर और खून देखकर खुश हो जाता है और फिर वही बच्चा होली के रंग देखकर डर जाता है। बड़ा बच्चा है। महुआ जी तो शेर को देख के सही में डर गईं। बाय द वे देखिए, मैं महुआ जी से और पूरे के पूरे ऑपोजिशन से पूरी तरह से सहमत हूँ। आप देखिए कि किस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स का ये एम्ब्लेम भी हिंदुत्व, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता है। सारे के सारे चेन्नई सुपर किंग्स सपोर्टर्स को शर्म आनी चाहिए। शर्म करो। उतना ही नहीं, अगर आपको जेम्स बॉन्ड की कोई भी पिक्चर पसंद है तो याद रखिए कि जेम्स बॉन्ड की जो फिल्में हैं वो MGM बैनर में बनाई जाती हैं। तो अगर आपने जेम्स बॉन्ड की कोई भी फिल्म या MGM बैनर की कोई भी फिल्म देखी है तब भी आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म करो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये जो नया एम्ब्लेम है इसमें शेर के दांत क्यों दिखाए जा रहे हैं, इतने अग्रेसिव तरीके से क्यों दिखाया गया है शेर को। यार ऐसे आर्ग्यूमेंट सुन के असली शेर खुद सोच रहे होंगे नहीं मतलब शेर के नुकीले दांत अगर नहीं दिखाएं तो क्या दिखाएं? ऐसे दांत दिखाएं? What the fuck? ऐसी शेर की फोटो लगा दे पार्लियामेंट बिल्डिंग की छत पे, तब आएगी कलेजे को ठंडक आपको। एक मैडम ने तो यहाँ तक कह दिया कि नेशनल एम्ब्लेम को जरा सा भी चेंज करना देश से गद्दारी है। शर्म करो। सही बात है, अगर आपने अपने बचपन में लायन किंग देखी है तो आप भी गद्दार हैं, क्योंकि लायन किंग में शेर के असली दांत दिखाए जाते हैं। खासकर अगर आपने बचपन में मिथुन चक्रवर्ती की चीता फिल्म देखी है तब तो आप सबसे बड़े देशद्रोही हैं। You are playing music too loud, right to jail, right away. You're driving too fast, jail. Slow, jail. शर्म करो। और इस मेल्टडाउन की सबसे फनी बात यह है कि अगर आप ओरिजिनल एम्ब्लेम को देखेंगे तो ओरिजिनल एम्ब्लेम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि शेर का मुंह खुला हुआ है, शेर के दांत दिख रहे हैं और शेर दहाड़ने की मुद्रा में खड़ा है ताकि दहाड़ कर चारों दिशाओं में धर्म को फैलाया जा सके। जिन लोगों को पॉलिटिशियंस के इफ्तार पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों को पॉलिटिशियंस के अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग आज कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को रिलीजन से बाहर रहना चाहिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स करके मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है। जो भाई साहब पूरे भारत में बिना मूंछ के घूमते रहते हैं, जिनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स, जिनके रैलियों में हमेशा अल्लाहू अकबर के नारे लगते रहते हैं, वो मोदी जी को कॉन्स्टिट्यूशन सिखा रहे हैं और सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में सिखा रहे हैं। सेकुलरिज्म। अगर यही करना है तो कल मार्क जकरबर्ग को भी अपना प्राइवेट इंफॉर्मेशन कैसे सेफ रखा जाए इस पर टेड टॉक देने के लिए बुला लेते हैं। कल इमरान खान को भी देश की इकोनॉमी कैसे मैनेज की जाती है इसके ऊपर दूसरे देशों को स्पीच देने के लिए बुलाना चाहिए। इसीलिए तो ओवैसी साहब के भाई कह रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, क्योंकि उस 15 मिनट में वो पूरे देश को सेकुलर बनाना चाहते थे और कॉन्स्टिट्यूशन सिखाना चाहते थे। अमेरिका के सिटीजन बहुत नाराज हैं कि भारत का प्राइम मिनिस्टर पूजा कर रहा है। बाय द वे भाई साहब, अमेरिका में खुद देख लीजिए कि प्रेसिडेंट को कैसे स्वेयर इन किया जाता है। आई डोनाल्ड जॉन ट्रंप Do solemnly swear. So help you God. So help me God. फ्रांस जब अपने वेपन्स दूसरे देशों को बेचता है तो उन वेपन्स को फ्रांस के प्रीस्ट ब्लेस करते हैं। यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट का ऑफिशियल चर्च है, तो वो सारे देश अपने कल्चर को फॉलो करे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मोदी अगर पूजा कर दे तो जान दे देंगे। ये सब दोगलापन है। कसम से इन लोगों को हिंदू कल्चर से इतनी नफरत है कि अगर टिंडर पे भी इनको एक पूजा नाम की लड़की दिख जाए ना तो ये लेफ्ट स्वाइप कर देंगे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि जैसे भारत में योगा डे ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक बार मोदी जी को ब्रीदिंग डे ऑर्गेनाइज कर देना चाहिए, एक दिन में सारे का सारा ऑपोजिशन खत्म हो जाएगा। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई नेशनल एम्ब्लम की डिजाइन चेंज होने पर एक पूरा का पूरा वीडियो क्यों बना दिया तूने? क्योंकि देखिए, एक सोसाइटी में सिंबलिज्म की इम्पोर्टेंस जितनी शायद आपको लगती है उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए जरा एक सेकंड कि हमारे देश के कल्चरल आइकॉन्स गांधी जी का फर्जी अहिंसा और नेहरू जी के फर्जी पंचशील के कॉन्सेप्ट्स को क्यों बनाया गया, जिन कॉन्सेप्ट्स की वजह से हमारे हाथ से पाकिस्तान निकला, बांग्लादेश निकला, पीओके निकला और अक्साई चिन निकला। हमारे देश के कल्चरल हीरो भगत सिंह क्यों नहीं है?
चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं है, महाराणा प्रताप क्यों नहीं है, गुरु गोविंद क्यों नहीं है, कृष्ण देव राय क्यों नहीं है, अरे भाई शिवाजी क्यों नहीं है जिन्होंने इंडिया से इस्लामिक साम्राज्यवाद को खत्म किया और अंग्रेजों के दिल में सही मायने में डर पैदा किया। सोचिए जरा एक समय कि हमारे देश में इस्लामिक घुसपैठियों को हीरोज की तरह क्यों दिखाया जाता है, जबकि भारतीय शेरदिल जिन्होंने अपनी जान पर खेल के भारत की रक्षा की उनके बारे में हमारी टेक्स्ट बुक्स बात ही नहीं करती, और बात भी करती है तो उनको रेबल्स बोला जाता है। सोचिए जरा एक सेकंड कि जब हमको श्रीराम के बारे में बताया जाता है तो सिर्फ ये क्यों बताया जाता है कि श्रीराम ने तो सबको प्यार करना सिखाया है, लेकिन ये क्यों नहीं बताया जाता कि धर्म की रक्षा के लिए और सीता माता की आन के लिए श्रीराम ने युद्ध भी किया और रावण का वध भी किया। देखिए इस सब के पीछे कारण यह है कि भारत का जो मार्क्सिस्ट और शांति दूतों का नेक्सस है वो चाहता था कि हिंदुओं को हमेशा कमजोर और अपने कल्चर में शर्मसार बनाकर रखा जाए, क्योंकि जब तक हिंदुस्तानियों को ऐसे रखा जाएगा तब तक ये मार्क्सिस्ट और शांति दूतों का जो नेक्सस है ये पावर में रह सकता है। क्योंकि सोचिए इस नेक्सस का क्या होगा जब हिंदुस्तानी भगवा पिल लेकर अपनी आंखें खोलेंगे, तो तब इनका वक्त बदलेगा, जज्बात बदलेंगे, पूरे का पूरा समय बदल जाएगा, क्योंकि तब हिंदुस्तानी बोलना शुरू करेंगे कि मंदिर गवर्नमेंट कंट्रोल में क्यों है लेकिन चर्च और मस्जिद क्यों नहीं है, हिंदू कानूनों के साथ छेड़खानी क्यों होती है लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ छेड़खानी क्यों नहीं होती। अगर हम वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 क्यों लगाया गया, हिंदुओं को उनका राम मंदिर वापस क्यों नहीं मिलना चाहिए, हिंदुस्तानियों को उनकी सच्ची हिस्ट्री क्यों नहीं सिखाई जा रही है, हिंदुस्तानी पीसफुल कम्युनिटी से डी रेडिकलाइजेशन की डिमांड क्यों नहीं कर सकते, अगर दुश्मन देश हम पर अटैक करता है तो हम उनके घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर सकते। देखिए हमारे कल्चर में हर एक इंसान के पास चारों वर्णों के गुण होने चाहिए, यानी सेवा, ज्ञान, अर्थ और क्षत्रिय धर्म। हिंदुस्तानी आज सेवा करने में, ज्ञान और अर्थ अर्जित करने में तो बड़े माहिर हैं, लेकिन पहले अंग्रेजों ने और उसके बाद मार्क्सिस्टों ने हिंदुस्तानियों के दिमाग से क्षत्रिय धर्म पूरी तरह से निकाल फेंका है। जिस दिन हिंदुस्तानी अपने क्षत्रिय धर्म को वापस सीखेंगे उस दिन हिंदुस्तान की काया पलट हो जाएगी। ये जो नया नेशनल एम्बलम बनाया गया है वो हिंदुस्तानियों के उस क्षत्रिय धर्म का रिमाइंडर है, ताकि हर रोज हिंदुस्तानी उस एम्बलम को देखे और अपने क्षत्रिय धर्म को याद करे। देखिए मोदी जी में बहुत खामियां हैं, लेकिन एक बात तो है कि मोदी जी को सिंबलिज्म बड़े अच्छे से समझ में आता है, चाहे वो आर्टिकल 370 हटाने का सिंबलिज्म हो, चाहे वो CAA का सिंबलिज्म हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक को हटाने का सिंबलिज्म हो, चाहे वो राम मंदिर को दोबारा बनवाना और बाकी पुराने मंदिरों की मरम्मत करने का सिंबलिज्म हो, मोदी जी समझते हैं कि ये सिंबलिज्म किस तरह से देश में गौरव पैदा करता है और धर्म को पैदा करता है, और इसलिए आप देखिए 90% हिंदुस्तानी जो हैं वो इस एम्बलम को सपोर्ट करेंगे और पूजा को सपोर्ट करेंगे, और ऑपोजिशन जबरदस्ती 2 हफ्ते तक मोदी जी को गरियाएगा, उसके बाद इलेक्शन में जाके सोचेगा कि भैया हमको कोई वोट क्यों नहीं देता। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो नए एम्बलम का स्टाइल है ये आपको पसंद है, आपको इससे कुछ प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है नीचे अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हाल में ही हुए अजमेर दरगाह में 90% विजिटर्स की जो कमी हुई है उससे जो मेल्टडाउन हुए हैं और से क्या हमको सबक सीखना चाहिए उसके बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर या यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो भी जरूर देखें। शाम शर्मा शो का मग क्लब और स्टिकर क्लब ज्वाइन करने के लिए नीचे पेट्रियन पे क्लिक करके पेट्रन जरूर बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेकंड। तो भाई लोगों यहां तक थी वीडियो, आपने वीडियो देखी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत तरीके से, और रोस्ट में भी अच्छा किया, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। आपको भी आई होप कि बहुत बढ़िया लगी होगी वीडियो ये। देखो अगर आप इंडियन बन के सोचते हो ना तो आपको ये बातें समझ आती हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे को, मैं अग्रेसिव हूँ, पोर्कियों को तो आता है, वो तो बोलते रहते हैं कि मैं हेट फैलाता हूँ, हेट फैलाता हूँ। भाई अग्रेसिव होना हेट फैलाना नहीं होता, अग्रेसिव होना मैं हमेशा अपने आप को मैं जो कहता हूँ ना कि मैं फैन हूँ भगत सिंह का, ठीक है, मैं उन अग्रेसिव लोगों का फैन हूँ जो देश के लिए कहते थे कि नहीं वो गलत है, उनको करना ही पड़ेगा। प्यार मोहब्बत वाले से कोई चीज़ नहीं होती सॉल्व भाई, अब जितना मर्जी प्यार मोहब्बत किसी को समझा लो, जो दुश्मन होता है ना उसको भाषा वही समझ आती है अग्रेसिव की। तो आप, मैं आपको इसलिए कहता हूँ, मैं इसलिए ज़्यादा आपको लगता हूँ कि मैं अग्रेसिव हूँ यार, क्षत्रिय धर्म जो है ना मैं प्रमोट करता हूँ उसको, मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता कि एक गाल आगे करो, थप्पड़ खा लो और दूसरा फिर कर दो। अगर मैं हूं ना, मेरे सामने ऐसा कोई बंदा आ जाए कि बोले कि यार
एक गाल मैंने आके थप्पड़ कर दिया, मैं शांति का दूत हूँ, मेरे दूसरा भी मारू, मैं दूसरा भी मारूंगा, मैं चप्पल उतार लूंगा, चप्पल उतार उतार के मारूंगा, मारता रहूंगा उसको। मेरे में ये नहीं है भाई, मेरे में है अगर काम करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। आपको अपने देश के लिए अग्रेसिव होना पड़ेगा। बाकी रही शेर मुंह खुले की बात, ये बात सही बोली, शेर अब क्या वो भीगी बिल्ली बन जाए, उसको क्या दिखाना चाहते हो, क्या शांति का दूत, शेर को शांति का दूत थोड़ी होता है। फिर ये इसको निकाल दो अपने सिंबल को, ठीक है, शेर ना रखो वहां पे, पेंडा पुंडा रख लो जो बांस मूस से बता रहे, वो चार पेंडे खड़े कर लो बस, वही फिर रखो। तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। अब दूसरी बात मैं एक बार बता दूं, हमेशा इंडियन के विचारों से नफरत करो, इंडियन से नफरत मत करो कभी भी। बाकी आप पोर्कियों से जैसे मर्जी उनके साथ भी नफरत करो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोर्किस्तान के साथ नफरत करो, लेकिन जो हमारे इंडियंस हैं वो इंडियन को आप एज ए इंडियन समझ के ही ट्रीट करो। हाँ, उनके विचार को, जैसे मैं ओबीसी की बात कर लेता हूँ, अब इन्होंने रोस्ट कर दिया उनका मूछों वाला, जो भी है चलो व्हाट्स एवर, वो उनका अपना पर्सनल मामला है, उनका अपना धर्म है, हम उस पर नहीं जाएंगे, चलो ठीक है इन्होंने कर दिया। लेकिन आप ये सोच के देखो, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बाद में आप बोलोगे कि ये सपोर्ट करता है ऐसे करता है, मेरा कोई लिंक नहीं है किसी को सपोर्ट करने का, लेकिन मैं आपको पहलू बता रहा हूँ। यही ओबीसी है, ठीक है, जाके पाकिस्तान में बोलता है कि इंडिया के बारे में मत बोलो, तब हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है, हमारे में प्यार उमड़ता है, हमारे में प्यार भी बहुत जल्दी उमड़ता है किसी के लिए, और प्यार गिरता भी बहुत जल्दी है, हम दिमाग से काम नहीं लेते हमारे। यही ओबीसी है हमारे इंडिया में बोलता है, ठीक है, तो हम उससे नफरत करनी शुरू कर देते हैं। ये जो हमारा होता है ना, हमारा भी, हम भी हिपोक्रेट्स हैं, हम भी दो तरफ चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा उसका बंदे का वो देखना चाहिए कि उसने किस लहजे में स्टेटमेंट दी है। कोई भी बंदा हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, उसका पीछे का जो करक्स है वो देखो। उसने पॉलिटिकल के ऊपर बोल दिया, ठीक है डन, बोल दिया, उसको क्रिटिसाइज कर दो, ठीक है, लेकिन एज ए इंडियन होके क्रिटिसाइज करो उसको, ऐसे ना सोचो कि इसको उतार के फेंक दो, ठीक है। उसने 15 कहा था कि 15 मिनट के किया, जैसे उसने बोला उसी लहजे में उसको वापस जवाब देना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगर उसने आराम से बात की है, आराम से जवाब होना चाहिए, उसने प्यार से बात की है, प्यार से जवाब दो, अगर उसने गुस्से में दिया, जितनी उसकी हीट है उसी हीट के हिसाब से आपको वापस जवाब देना चाहिए, ठीक है, उतना ही अग्रेसिव होना चाहिए जितना आपके सामने वाला अग्रेसिव हो, ठीक है। अगर आप उससे ज्यादा अग्रेसिव हो जाओगे तो उसमें क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, सेम अग्रेसिव के साथ जवाब देना चाहिए, और जवाब अच्छे वे से होना चाहिए ताकि उसको जवाब ही ना आ पाए। आलतू फालतू की चीजें बोल दिया, मार देना काट देना इनमें है ही है, ठीक है, ये हमारे कॉन्सेप्ट बढ़ गया है, अल्लाहु अकबर के नारे लगा लगा के ये रिप्रेजेंट गलत करते हैं, तो हमें भी उसी हिसाब से उनको जवाब देना है कि भाई ये इंडिया में नहीं चलेगा, ये पाकिस्तान में अल्लाहु के नारे ला के आप गले काट दो, अफगानिस्तान में काट दो, लेकिन इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के लिए सोचो, इंडिया को, इनको भी यही समझाओ सबको कि देश को अपने दिमाग में घुसा लो, उसी हिसाब से बोलो। बाकी आप, वीडियो बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत अच्छा है। मैंने शुरू में आपको बोला था कि मैं इनकी 5% चीज़ों से 5% एग्री डिसएग्री भी करता हूँ, ठीक है, लेकिन 95% मैं एग्री करता हूँ इनकी बातों से, क्योंकि ये देश के लिए बोलते हैं, क्योंकि हर बंदा, आप भी हो, मैं भी हूँ, ठीक है, आप जब भी, आप अपने, जब आप मोहल्ले में बात करोगे, अपने घर के बारे में बात करोगे, तो ऑब्वियसली आप 1-2% बायस हो जाते हो किसी चीज़ के लिए, तो उन चीज़ों को छोड़ दो, वो ह्यूमन नेचर है, बायस्ड होना 1%, 2%, 5% होना लाजमी होता है, ये हर इंसान में पाया जाता है। अब मैं अगर किसी को बोलूँ, कोई मुस्लिम, कोई मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको मुस्लिम बंदे की, ठीक है, वो 1-2 चीज़ें ऐसी बीच में बोल जाएगा, उसमें बायस्ड हो जाएगा, लेकिन मैं उसको समझता हूँ, आपको भी यही चीज़ समझनी होती है, तो बायस्ड हो जाता है। कोई हिंदू बना रहा है वीडियो, तो 1%, 5%, 10% उसका बायस होना जायज है भाई। मैं ये नहीं कहता कि वो गद्दार हो गया, उसकी वो बातें हम क्या करते हैं कि नेगेटिव बातें पकड़ लेते हैं, जो 5% होती है, जो 95% उसकी पॉजिटिव बातें हैं उसको छोड़ देते हैं, हम उसी चीज़ को पकड़ लेते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से कहना है, अगर आप ये इंडियन बन के सोचोगे ना, मैं इंडियन बन के सोचता हूँ, इंडियन बन के वीडियो देखता हूँ, तो मेरे को ये चीज़ें ना, मैं उन चीज़ों को छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं समझ जाता हूँ कि हो जाता है यार, मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, इंसान गलतियाँ करता है, ठीक है, तो बायस्ड होना भी इंसान के नेचर में है, कोई 5% हो जाता है, कोई 1% हो जाता है। जो कहता है कि मैं 100% बायस नहीं हूं, वो झूठ बोलता है कि मैं बिल्कुल बायस नहीं हूं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करता हूं, वो आपसे झूठ बोलता है, वो आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हो कि मैं, वो बोलेगा भी अगर
100% भी चीजें आप बायस बोलेगा, आपकी तरफ की बोलेगा, ठीक है, तो समझ लेना कि वो झूठ बोल रहा है, अंदर से उसके अंदर वो नहीं है। बायस्ड होना कोई बुरी चीज नहीं है। जिससे आप प्यार करते हो ना, जिस धर्म को, जिस मावे को, जिस कम्युनिटी को, या जिस चीज को आप प्यार करते हो, उसके प्रति आपका 2-4-5% अब जब बात करते हो ना तो बायस्ड हो जाते हो आप, बातों बातों में हो जाते हो, ये गलतियां हो जाती हैं। गलतियां नहीं होती, ये नेचर है, मैं गलती नहीं मानता इसको। तो आप लोगों को अब समझ आ गया होगा, ठीक है। इन भाई साहब ने भी वीडियो बनाई है इसी रीजन के लिए कि आपको समझना पड़ेगा, हमें दहाड़ना पड़ेगा। ये कई लोग इसको हिंदुइज्म से कनेक्ट कर रहे हैं, ये क्षत्रिय धर्म से आप सोचोगे ना, दहाड़ना पड़ेगा इंडिया को, आप लोगों को दहाड़ना पड़ेगा। और दहाड़ के लिए यही चैनल है, नेशन फर्स्ट है, ये दहाड़ ही मारता है, ये मीन मीन मीमिया नहीं करता किसी के सामने। और ये चाहता भी है, वही सोल्जर हैं जो दहाड़ सकते हैं। और मैं सबको इसलिए बोलता हूँ कि ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करके सोल्जर बनो, दहाड़ो। यहाँ पे सोल्जर पीछे बैकएंड पे बैठ के दहाड़ते हैं और दहाड़ के टूट के पड़ते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे ये चैनल, में आपको एक बात और क्लियर कर दूं, ज़्यादातर मोस्टली जो 80-90% हमारा फोकस रहता है पुर्कियों पे, ठीक है। हमें पुर्किस्तान को बर्बाद करना है, उनके चैनल को, जो उनके पुर्किस्तानी जो बैठे हुए हैं ना चैनल खोल खोल के, उनको बर्बाद करना है, उनका इन्फ्लुएंस रोकना है हमने इंडिया में आने में। इंडिया में जो हो रहा है वो तो हम हमारे गवर्नमेंट या हमारे कई चैनल्स कर ही रहे हैं, जैसे ये भी कर रहे हैं। मैं ये दिखाता हूँ कि आपके अंदर जोश और जज्बा पैदा हो इंडिया के लिए। धर्म, ये वो, अपनी कम्युनिटी, रेस, क्रीड, सब कुछ पीछे छोड़ के ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक इंडियन बन के सोचो, हमें बाहरी ताकतों से एक इंडियन बन के ही लड़ा जाएगा। हिंदुस्तान में भी लड़ना है तो एक इंडियन बन के ही लड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की मैंने आपको वीडियो दिखानी है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। कई लोगों की डिमांड आती है, भाई लोग वेट कर लो, 2-4 दिन 15 दिन हफ्ते बाद आपकी वीडियो मैं जरूर करूँगा। टाइम लगता है भाई, मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, एक एक दो दो वीडियो चढ़ा के फटाफट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों का मेरे को बहुत साथ मिल रहा है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एक छोटा चैनल होने के कारण भी हमने बहुत अचीवमेंट की है, हमें अपने दिल को तसल्ली है, और हम चाहते हैं कि हम और भी करेंगे। जितना साथ जुड़ते जाओगे एकता बनती जाएगी, और हम इस चीज़ पर बोलते रहेंगे। तो यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अपने प्लेटफॉर्म पर जाके जरूर इसको शेयर करना। और हाँ, हमारा संडे को 2 बजे लाइव होता है, उसमें मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, आप जरूर उस लाइव में आओ, अपनी आवाज़ बनो, अपना बोलो, ठीक है। आपके ये बोलने से ही दुनिया समझेगी आपकी बात, आवाज़ जाएगी। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।